कांग्रेस में नेतृत्व के मसले पर चल रही बहस के बीच पार्टी की युवा इकाई ने अपने पदाधिकारियों के साथ डिजिटल संवाद के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि पार्टी अध्यक्ष को लेकर किसी तरह का बदलाव हो रहा हो तो राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट कर कहा है कि केवल राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दे सकते हैं। सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी के पक्ष में आवाज बुलंद की है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये दिखाया है कि पार्टी और लोगों की भलाई के लिए त्याग करने का क्या मतलब होता है। अब सर्वसम्मति बनाने का वक्त है। हम एकजुट होंगे तो हमारा भविष्य और मजबूत होगा। ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी को पार्टी की अगुवाई करते हुए देखना चाहेंगे। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी को पार्टी का नेतृत्व जारी रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सोनिया जी ने अपना मन बना लिया है तो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व से पार्टी को मजबूती मिली है। सोनिया गांधी के त्याग के लिए हम सभी उनके ऋणी हैं। यदि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कोई बदलाव होता है तो युवा कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। युवा कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। यह भी कहा गया है कि ऐसे में जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो राहुल गांधी को युवाओं का नेतृत्व करना चाहिए। युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया में माई लीडर राहुल गांधी हैशटैग से अभियान भी चलाया। दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य जारी रखना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि यदि वह ऐसा करने से इनकार करती हैं तो राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लेना चाहिए। पार्टी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SBI 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।